हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में आपने जैसा कि आप हैंड ने हेडिंग देखी है कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी दवाई बताने वाला हूं जिससे कि आप एक घंटे में शानदार 80 की स्पीड आप टाइपिंग कर पाएंगे। क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घंटे में कोई भी टाइपिंग स्पीड वगैरह नहीं बढ़ती है, ये केवल आपका एक मन का वहम हो सकता है। और कई बार जैसे कि मैं टाइपिंग इश्यू चलाता हूं तो कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर मुझे 10 दिन में टाइपिंग कर लेनी है, मुझे 3 दिन में टाइपिंग कर लेनी है, मुझे 15 दिन में टाइपिंग कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचे, ऐसा टाइपिंग का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि जिससे भी कि आप एक घंटे में या दो घंटे में या 3 दिन में या 5 दिन में टाइपिंग सीख लेंगे। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है और कंटिन्यू आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड को मतलब बना सकते हैं और आप अपनी जॉब वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है कि एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो टाइपिंग जो है वो केवल आपकी उंगलियों का गेम नहीं है, टाइपिंग जो है वो आपके माइंड का गेम है। तो जितने शब्द आपको याद होते हैं उतनी ही जल्दी आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग आप सीख पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्र कर लें, बिल्कुल फोकस कर लें और उन शब्दों पर ध्यान दें जिनको कि आप टाइपिंग करना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम बात करें तो सबसे जरूरी चीज है कि आपका पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए। जब आप टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तो कई बार स्टूडेंट होते हैं तो बिल्कुल ऐसे नीचे झुक जाते हैं या फिर कई बार होता है कि बिल्कुल लेट जाते हैं आराम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा तरीका है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट आपको होना चाहिए। आप अपने जो कंप्यूटर जो है उसको बिल्कुल आपके सामने रहे, आपकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 सेंटीमीटर के लगभग आपकी डिस्टेंस रहे, तो बिल्कुल क्या है कि स्ट्रेट होके आपको कंप्यूटर पर बैठना होता है। दूसरी चीज होती है कि आप जब आप बैठेंगे तो आपके जो हाथ होते हैं वो ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे हाथ खड़े रखने, आपके हाथ टिके हुए होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथों पे पूरा वजन। उंगलियों को ऐसे रखने की आपको जरूरत नहीं है कि उंगलियों को आप ऐसे रखें, आप उंगलियों को टिका के भी आप आराम से काम कर सकते हैं। तो उंगलियों को टिका के आप काम करें, हथेलियों को बिल्कुल जमीन पे जो भी आपकी जो टेबल होती है टेबल पे रखें उसके बाद करें, ऐसे उंगलियों को ऊपर रखने की आपको जरूरत नहीं होती है। उंगलियों को सीधा रखें, लिटा के रखें और आप अपना कंटिन्यू टाइपिंग करना स्टार्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप जब स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग करें तो धीरे टाइपिंग करें। कई बार क्या होता है कि जल्दी 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 आप टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप तेज गति से जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, गलतियां होंगी तो आपका जो मोरल डाउन है या जो आपको जो मन में खुशी मिलनी चाहिए कि आपने आज कितनी स्पीड से टाइप किया, तो वो खुशी आपको नहीं मिल पाएगी, तो आपका जो मोरल है वो आपका डाउन हो जाएगा। तो आपको धीरे और बिल्कुल धीरे धीरे आपको टाइपिंग के छोटे छोटे शब्दों से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप हमेशा जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल धीरे। एक दिन में अगर आप मान लो कि अगर आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में टॉप स्पीड में गाड़ी चला लेंगे, तो बिल्कुल धीरे धीरे। तो आप समझ लें कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरे धीरे ही टाइपिंग आपको आएगी, छोटे शब्दों से आपको स्टार्ट करना होगा। अगला जो टिप्स है वो है कि आपको जो कीबोर्ड है उसका सही कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। ना तो इतना हार्ड कीबोर्ड होना चाहिए कि जिससे भी जब आप उंगली रखें तो उंगलियों से बटन दबे ही नहीं, कि जैसे कि लोकल कई कीबोर्ड आते हैं 100-150 रुपए वाले, तो उनमें जब आप उंगलियों से बटन रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज आपको करना होता है। और ना ही आपको कोई ऐसा कीबोर्ड रखना है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। जब आप स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग सीख रहे हो तो आपके पास जो कीबोर्ड है वो मिडिल लेवल का होना चाहिए, ना तो इतना ज्यादा फास्ट होना चाहिए और ना इतना स्लो होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा टीवीएस गोल्ड सबसे बेस्ट कीबोर्ड आता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये कीबोर्ड नहीं हो सकता है। बिगिनर्स के लिए आप डेल लिनोवो वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं और कीबोर्ड को आपको पहचानना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो वर्डिंग से स्टार्ट नहीं करना है, ना बड़े बड़े सेंटेंस आपको लिखना है। तो आपको क्या करना होता है कि आप छोटे शब्दों को जैसे कि ABCD वगैरह जो होती है वो आपको स्टार्ट करनी है, छोटे शब्दों पे आपको फोकस करना होता है। छोटे शब्द आप लिखेंगे तो आपको छोटे शब्द पे जो उंगलियां होंगी वो आपको याद होगी, तभी आप अच्छे तरीके से आप टाइपिंग कर पाएंगे। तो बड़े शब्दों पे ध्यान नहीं दें, छोटे शब्दों पे आप स्टार्ट करें और ASDFG सेमीकोलन LKGH QWERTPOIUI और ZXCVB । एक इंपॉर्टेंट बात को बता दूं, कई बार आपने सोचा होगा, एक इंटरेस्टिंग टिप्स है ये कि
जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये जो कीबोर्ड में जो डिजाइन बनाई गई है, आपको पता है कि ऐसा क्यों किया गया है? आपकी जो टाइपिंग है वो ASDF जैसे स्टार्ट की होती है। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक लॉजिक है, जो अक्षर हमारे सबसे ज्यादा काम में आते हैं और जो हमारा मजबूत हाथ होता है या जो मजबूत उंगलियां जो होती है, ये हमारे वोवल्स पे आके टिकती हैं। इनके अलावा जो अदर जो उंगलियां हैं, जो कि हमारे स्पेलिंग या जो अक्षर सबसे कम काम में आते हैं, जैसे कि जो छोटी उंगली पे आपके जेड एक्स सीवीवी, तो जेड एक्स पे कोई स्पेलिंग वगैरह बहुत कम आती है। अगर मैं बोलूंगी जेड पे स्पेलिंग आप बोले तो जू या जहीर खान टाइप से ज्यादा आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक्स पे भी आपको एक या दो स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन बिना वोवल्स के स्पेलिंग वगैरह की होने की संभावना नहीं होती। तो वोवल्स के लिए सबसे ज्यादा स्पेलिंग जो होती है, इसीलिए आपके जो कंप्यूटर की जो डिजाइन है, जो कीबोर्ड की जो डिजाइन है, वो इसीलिए इसी तरह से बनी हुई है। आगे हम बात करें तो सही वोकैबुलरी का आपको होना चाहिए। आप जब इंग्लिश टाइपिंग करें तो आपको सही स्पेलिंग वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको भी सही शुद्ध भाषा में हिंदी आपको आना जरूरी है। गर्मी हो रही स्टूडेंट्स, और गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें अगर मेरे टिप्स आपको अच्छे लग रहे हो। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं कि कीबोर्ड का आपने ज्ञान ले लिया है, वोकैबुलरी का आपने ध्यान ले लिया है। इसके आगे हम बात कर रहे थे कि आपकी जब आप टाइपिंग कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग में जब टाइपिंग कर रहे हो तो आपको किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जहां पर भी आप बैठे हो तो बिल्कुल एकाग्र होकर बैठे, किसी से बातचीत नहीं करें। हाँ, जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी इंप्रूव होने लग जाए तब तो आपने देखा होगा कि कई लोग बातें भी करते रहते हैं अपने दोस्तों से, या इधर उधर भी देखे हुए होते हैं और टाइपिंग करते रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको एकाग्रता रखना जरूरी है। बिना उठे, बिना एक दूसरे की तरफ देखे हुए आपको ध्यान से देखना होता है, और कोशिश की जानी चाहिए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके कीबोर्ड पे टिकी रहें और आपकी जो नजरें हैं वो केवल आपके सामने जो स्क्रीन होती है उस पर आपके लगे रहें। इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप धीरे धीरे जैसे आप टाइपिंग वगैरह सीखना स्टार्ट कर दें तो सही टाइपिंग ट्यूटर का आपको उपयोग करना चाहिए। तो आप इंटरनेट से बहुत सारे टाइपिंग ट्यूटर है, जैसे typing.com है या india.com है, या मैं दो तीन टाइपिंग ट्यूटर के नाम बताऊं, जैसे किरण टाइपिंग ट्यूटर है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, JR टाइपिंग ट्यूटर है, और सोनमा टाइपिंग ट्यूटर है। तो इस तरह के जो टाइपिंग ट्यूटर है वो आपको बिगिनर से, आपको स्टार्टिंग से आप करवाते हैं। तो इसी तरह के जो सारे टाइपिंग ट्यूटर है वो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आके देख सकते हैं, इन्हीं पे मैं प्रैक्टिस वगैरह करवाता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे इंस्टीट्यूट पे अभी लगभग जो RSM SSB LDC का जो बैच निकला था उसमें लगभग 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से लगभग 22 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है जो टाइपिंग के लिए आया करते थे, और स्किल टेस्ट भी उनका हुआ। तो हमारे इंस्टीट्यूट में टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट का भी होता है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग की जो पूरी ट्रेनिंग जो है वो आप हमारे इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ पे पूरी सर्विसेज टाइपिंग को सिखाने की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बताऊं कि आपको लाइव प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे india.com है या typing.com है, तो india typing.com पे आप जाके लाइव प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिससे कि रियल में आपकी टाइपिंग स्पीड क्या बन रही है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा RPSC, UPSC, RSM SSB, हाई कोर्ट या SSC का जो पैटर्न होता है उस टाइपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइपिंग करवाई जाती है, और आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी ये चीजें कर सकते हैं। तो उसमें जो अलग अलग पैटर्न है कि कितने वर्ड आपके आते हैं, जैसे 25 कीवर्ड्स आपको टाइप करने हैं KPM में नापा जाता है, या फिर आप 35 पे करना चाहते हैं, तो वो सभी स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। इसके बाद में जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करें तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन टाइपिंग कर दिया, बीच में 5 दिन का गैप दे दिया, 2 दिन टाइपिंग आप कर रहे हो फिर 5 दिन आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो, तो ऐसा करने से आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। जब तक आप पूरी टाइपिंग को कवर नहीं कर लेते हैं, लगभग आप 20-25 के वर्ड पर मिनट तक अगर आप नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक बार अगर आप टाइपिंग स्पीड को कवर कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको एक बार गाड़ी चलानी आ गई, फिर अगर आप 2-3 महीने गाड़ी नहीं भी चलाएंगे ना तो भी आप स्पीड को वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब टाइपिंग सीखें तो कम से कम 1 मंथ का कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। और इंस्टीट्यूट में जाने से क्या फायदा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में आए इसीलिए मैं आपको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे तो वहां पे आपको एक तो एनवायरमेंट मिलेगा। जब एनवायरमेंट मिलता है आप दूसरों को देखते हो, अपने पड़ोसी को देखते हो कि वो जो टाइपिंग कर रहा होता है, तो आपके मन में खुद से आता है कि यार ये टाइपिंग कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, इसकी स्पीड इतनी अच्छी है मेरी स्पीड क्यों नहीं है, तो आप खुद भी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और टाइपिंग करते हैं। दूसरा रीजन ये भी बनता है कि जब आप वहां पे फीस पे करते हो, तो जब आप फीस पे करते हो तो आपको भी क्या लगेगा,
कि अभी पैसा मैंने खर्च किया है तो मुझे इसका फायदा लेना चाहिए, तो आपके मन में अंदर से ही ऐसे फीलिंग्स आएगी कि भाई मैंने जिसके लिए मैंने पैसा खर्च किया है तो मुझे टाइपिंग वगैरह यहाँ पे क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों मुझे जब मैंने पैसा ही दिया है तो मुझे उसका यूज भी पूरा करना चाहिए। आगे हम बात करें कि आप जब टाइपिंग स्टार्ट करें तो आप एक कोई भी छोटे बच्चों की इंग्लिश की बुक आप रख सकते हैं, या जो टाइपिंग की जो बुक आती है वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि आप ये टाइपिंग बुक देख सकते हैं, इस तरह की काफी सारी टाइपिंग बुक जो है वो हमारे यहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो इस तरह की कोई भी टाइपिंग बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं और परचेज करके आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, जहां से आप किसी भी तरीके का जो टाइपिंग का जो एग्जाम होता है वो आप देख सकते हैं। और मेरे यहाँ से लगभग पिछली जो एलडीसी के एग्जाम थी या हाईकोर्ट में भी थे, काफी स्टूडेंट्स का मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है जो टाइपिंग के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस मिलेगी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं दो तीन जो टिप्स हैं मैं एक बार वापस से रिवाइज कर दूं कि आपको सही पोस्चर पर बैठना है, आपको शॉर्टकट कीज के लिए आपको धीरे धीरे आपको प्रयास करना है, न कि कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, कोई दवाई नहीं मिलती है कि आपने एक दिन में दवाई पी ली और आपको बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी और टाइपिंग आप स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी स्पीड से टाइपिंग होगी, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है। दूसरा, वजन हाथों पे नहीं होना चाहिए, सही तरीके से आपको बैठना होता है, दिमाग पे जोर डालना है न कि हाथों पे ज्यादा जोर डालना है, आपको सही अक्षर से स्टार्ट करना है। और एक और मैं बात बता दूं, आपने एक लाइन सुनी होगी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस लाइन में क्या अंतर है, इस लाइन के अंदर इंपोर्टेंट बात यह कि इसमें आपके एबीसीडी के पूरे अक्षर आ जाते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें ए टू जेड के जो 26 अक्षर है वो सारे के सारे कवर होते हैं। जब आप इस लाइन की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सारे उंगलियों पे सारे जो वर्ड है वो आप टाइपिंग करना सीख जाते हैं। तो टाइपिंग के लिए मैं अलग से वीडियो फिर से बनाऊंगा, और सही वोकैबुलरी आप ध्यान करें, जब भी आप फ्री बैठे हो तो कुछ स्पेलिंग को आप देखें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जो स्पेलिंग उनको बार बार आती है उन्हीं को तो जल्दी स्पीड से टाइप कर लेते हैं, और जो अक्षर या जो शब्द उनको नहीं आते हैं उनके अंदर उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस होना जरूरी है, बातें नहीं करनी है, शांत मन से एकाग्र होकर अच्छी जगह पे आप बैठें, बिल्कुल सही तरीके से, आपके पास आरामदायक कुर्सी वगैरह ऐसा लेके नहीं बैठना है कि आराम से नीचे लेट गए, और सही टाइपिंग ट्यूटर का आपको इस्तेमाल करना है, सही टाइपिंग बुक आप इस्तेमाल करना है, लाइव प्रैक्टिस पर आपको फोकस करना है, छोटे शब्दों से आपको प्रारंभ करना है, गैप नहीं रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इन्हीं अगर टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी टाइपिंग स्पीड को फॉलो कर पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करें, और हमारे जो टिप्स हैं अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।